नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी आपको बता दें कि सिवान में हथियारों की सप्लाई का गिरोह चलाने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 13 दिसंबर की शाम में राजेंद्रपथ स्थित पी देवी मोड़ के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम और उनकी टीम के द्वारा वहाँ पर बाइक पर सवार दो की संख्या में जो व्यक्ति थे वो पुलिस को देख करके भाग रहे थे, जिस पर सुदर्शन राम ने पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। और उसके बाद से पता चला कि ये दोनों पकड़े गए जो युवक हैं ये हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं और साथ ही साथ ये एक बड़ा गिरोह भी चलाते हैं हथियार की सप्लाई करने वाला। तो जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें आपको बता दें कि एक जिले के हुसैनगंज थाना इलाके के तेतरिया गांव के रहने वाले स्वर्गीय आलमगीर के पुत्र शेख नबीबुल्ला हैं, तो दूसरे जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम प्रवेश यादव उर्फ पहलवान हैं। और आपको बता दें कि राम प्रवेश यादव उर्फ पहलवान लखनऊ में आर्म्स एक मामले में जेल भी जा चुका है, जो कि हथियार का काफ़ी बड़ा तस्कर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों जो बदमाश पकड़े गए हैं, दोनों हथियार जो है दूसरे जगह से ला करके सिवान और आसपास के जो जिले हैं उन जिलों में अपराधियों से बेचने का काम करते थे। तो ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है सिवान के की पुलिस को। और इस उपलब्धि के बाद सिवान के पुलिस कप्तान शैलेश कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पर भारी मात्रा में जो हथियार है वो बरामद किए गए, यानी कि जो पिस्टल है वो 9 की संख्या में पिस्टल को लोडेड जो पिस्टल है उसे जब्त की गई है। साथ ही साथ 23 जिंदा गोली उसे भी जब्त किया गया है। और उसके बाद 3 मोबाइल फ़ोन, 2250 रुपये कैश और 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि SDPO सिवान सदर फिरोज आलम और नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम, सिवान के SP शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेसवार्ता किया। ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। और दो बदमाश जो कि बहुत बड़े गिरोह चलाते हैं और तस्करी का काम करते हैं, जो कि हथियारों की तस्करी ये लोग करते थे, पुलिस को कई दिनों से इनकी तलाश थी, ये दोनों जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और इनके पास से लगभग 9 देसी पिस्टल बरामद किए गए हैं, 23 जिंदा गोली बरामद किए गए और साथ ही साथ 3 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और 2250 रुपये कैश भी जब्त किए गए हैं। जिन्हें दोनों की गिरफ्तारी हुई, एक बार फिर से आपको बता दें कि एक सिवान जिले के हुसैनगंज सना इलाके के तेतरिया गांव के स्वर्गीय आलमगीर का पुत्र शेख नबीउल्लाह है, तो दूसरा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राम प्रवेश यादव उर्फ पहलवान है। पहलवान आर्म्स एक्ट मामले में कई बार जेल भी जा चुका है और हथियार का बड़ा तस्कर है। अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से सिवान की पुलिस ने राहत की सांस ली है। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि SP के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ SP ने कहा। हालांकि आपको बता दें कि SP शैलेश कुमार सिन्हा ने यह भी कहा है कि इन लोगों से पूछताछ हुई है और कुछ इन्होंने पर्दाफाश भी किया है, पुलिस को बताया है, और इनकी निशानदेही पर बताए गए चीज़ों पर कई जगहों पर छापेमारी की जाएगी और हो सकता है कि कुछ इनके गिरोह का और भी जो सरगना है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी और सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। ATN लाइव के लिए रिशो रातीब के साथ चंदन कुमार सिवान। विशेष वहाँ जाँच अभियान चलाया गया था संध्या में, उसी क्रम में शहर में पी देवी मोड़ के पास से हमारे टाउन थाना प्रभारी सुदर्शन राम खुद ही चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में दो व्यक्ति को अलग अलग दो मोटरसाइकिल पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुल 9 देसी पिस्टल, 23 गोली और दोनों मोटरसाइकिल जिसका उन्होंने अभी तक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है, 3 मोबाइल और उनके पास से 2250 रुपया नकद बरामद किया गया है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए उनका नाम है शेख नजीबुल्ला, ये तेतरिया थाना हुसैनगंज के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं राम प्रवेश यादव उर्फ पहलवान, जो सकरापाला थाना लारजीदा देवरिया के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से कुल 9 पिस्टल और 23 गोली बरामद हुआ है। और जैसा कि इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ पर बताया है कि ये लोग आर्म्स की तस्करी करते हैं और कहीं से आर्म्स खरीद के ला रहे थे, और जितना भी लोग खरीदते हैं उससे दुगुने दाम में जगह जैसा उन पर डिमांड ये लोग अपराध कर्मियों के बेचते हैं, तो उसी क्रम में लोग ला रहे थे और कल पुलिस के द्वारा इनको जांच के क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इनसे बहुत सारी सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस को अभी जांच चल रही है और उन पर पूछताछ भी की जा रही है। बहुत सारी सूचना प्राप्त हुई है कि कहां से स्रोत है और कहां जाना था, इस सारे बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और यह पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे इतने बड़े बरामदगी के बाद बहुत सारा इस पर अपराध नियंत्रण का सीधा सीधा असर पड़ेगा। पहले से भी जेल जा चुका है लोगों का? हाँ, दोनों का पहले से आपराधिक इतिहास है। शेख नबीबुल्ला भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं
और राम प्रवेश यादव ने स्वीकार किया है कि ये उत्तर प्रदेश के कई कांडों में जेल जा चुके हैं, तो उनका संबंधित जिला से क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त किया जा रहा है और उसकी भी जांच की जा रही है। ये सब किसी गिरोह के हैं? ये लोग अवैध तस्कर हैं और बहुत सारी सूचनाएं दी हैं जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और उसका सत्यापन पुलिस कर रही है। इस संबंध में हमारे यहाँ एसटीएफ में एक आम सेल गठित किया गया है जिसका उद्देश्य है कि जिले राज्य में कहीं भी अगर आर्म्स की बरामदगी होती है तो उसका गहन से पूछताछ किया जाए और स्रोत से लेकर इंड पॉइंट तक जहाँ ये लोग सेल करेंगे उसकी पूरी जांच पड़ताल हो। तो इस क्रम में हम लोगों ने एसटीएफ को भी सूचित किया था, तो एसटीएफ भी आकर इनसे पूछताछ की है और जो भी सूचना मिला है उस पर पुलिस पूरी संगठित तरह से अनुसंधान कर रही है। ये कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये इसकी जानकारी अभी इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारी सूचना इन्होंने दिया है जिस पर पुलिस को अनुसंधान करना है और जैसे जैसे इस पर डेवलपमेंट होगा मैं आप लोगों को प्रेस के माध्यम से। इसके बाद कोई और बड़े इसमें लोग जो जुड़े हैं पकड़े जाएंगे? अभी सारी बात अभी अनुसंधान में, आप लोगों को फिर प्रेस के माध्यम से हम बताएंगे। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।